गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो अभी तक जो हमने जो चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा था चैप्टर फोर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया उसमें हमने फूड सिक्योरिटी मैंने आपको बताया व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी व्हाई फूड सिक्योरिटी उसमें फिर हमने पढ़ा था हु आर फूड इनसिक्योर जैसे उसमें मैंने आपको बताया कि जो लैंडलेस लेबर्स हैं डेलीविजर्स हैं या पोरेस्ट ऑफ द पोर फैमिलीज़ जो है, वो फूड इन है फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हमने पढ़ा था कि हाउ फूड सिक्योरिटी सिक्योरिटीज़ इंश्योर इन इंडिया जैसे उसमें मैंने आपको बताया कि बफर स्टॉक या आ, उसमें हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया की अगर हम बात करेंगे या इंडियन कंट्री की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाती है तो उसमें पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है बफर स्टॉक करती है बफर स्टॉक मतलब हो गया स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन फ्राम फार्मर्स एट प्री प्रीडिटर्मेड प्राइस पहले उनसे तय किया होता है कि भाई हम आपसे फ़ूड ग्रेनस ख़रीदेंगे जो आपके पास सरप्लस फूड ग्रेनज़ है ठीक है फिर वो गवर्नमेंट अपनी फूड ग्रैनरीज़ में जो है उनको स्टोर करके रखता है फॉर फ्यूचर यूज़ ताकि जब भी कभी कोई सिचुएशन आए आ, मतलब एडवर्स सिचुएशन आए वेदर चेंज हो जाएगा वेदर कंडीशन चेंज हो जाएंगी तो उस वक्त वो गवर्नमेंट क्या करता है सपोर्ट करता है लोगों को इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग द फूड चाहे फ्री ऑफ कास्ट या एट वेरी लो रेट ठीक है उसके बाद आ, मतलब फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उसमें हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे फंक्शन करता है जैसे हर किसी विलेज में हर किसी मोहल्ले में एक पी डी एस एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन कार्ड होता है ठीक है वहाँ से आपको मतलब आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए और हर मंथ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है राशन लोगों को ताकि जो शार्टेज ऑफ फूड है वो ना हो ठीक है तो ये अभी तक हमने पढ़ा है तो आज जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर एग्जामेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आज का जो है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया अगर हम करंट स्टेटस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हाउ पब्लिक हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड ग्रेनज इंश्योर मतलब कैसे फूड ग्रेनज़ को इंश्योर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है या करंट स्टेटस क्या है ठीक है तो करंट स्टेटस की अगर हम बात करेंगे देखो आपकी बुक uh, पुरानी है तो अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे आज तक तो आज टू थाउजेंड ट्वेंटी है ठीक है तो आज तक बहुत सारे चेंजेज़ आ गई बहुत सारे स्कीम्स आ गई है ठीक है अभी तक जो हम पढ़ेंगे वो हम एज़ पर योर बुक जो आपकी बुक है उसी हिसाब से पढ़ेंगे ठीक है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे इंडिया में कैसे होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाती है पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इनिशियली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज यूनिवर्सल देखो अगर हम नाइन्टी अप टू नाइन्टी की बात करें नाइनटीन नाइन्टी टू की जैसे नाइनटीन सिक्सटी फाइव के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया उसके बाद जो uh, हम बात करेंगे कि शार्टेज ऑफ फूड ना हो कंट्री में उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम uh, अप्लाई किया गया कि हमें हर किसी इलाके में हर किसी एरिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्लाई करना है ठीक है हमें लोगों को राशन पहुंचाना है तो अगर हम अप टू नाइन्टीन नाइन्टी टू की बात करेंगे ठीक ठीक है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि फूड ग्रेनज जो दिए जाते थे वो यूनिवर्सल था मतलब इसमें हर कोई आता था चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो इसमें हर किसी को फूड मिलता था फूड ग्रेनज मिलते थे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहले क्या था सारे इन्वॉल्व थे कवरेज थी मतलब यूनिवर्सल कवरेज जिसको हम कहते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जो आपकी बुक पे है आप उस बुक को खोल के टेबल पे जाएंगे और टेबल को चेक करेंगे देखो यहाँ पे करंट स्टेट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है पहले नेम ऑफ द स्कीम फिर ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन है फिर कवरेज टारगेट ग्रुप क्या है किन को टारगेट किया जाता है लेटेस्ट वॉल्यूम मतलब कितना फूडग्रैनज दिया इशू किया जाता है लोगों को और इशूइंग प्राइस क्या है मतलब उसका प्राइस कितना होता है जब इशू किया जाता है हर किसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हर किसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सारी जो राशन कार्ड्स हैं उन वहाँ पे जाके लोगों को कितना फूड प्रोवाइड किया जाता है एंड ऑन विच प्राइस ठीक है तो ये हम टेबल के ज़रिए आपको समझाएँगे कि करंट स्टेटस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इंडिया में ठीक है तो पहले क्या था अगर हम अप टू नाइन्टी टू की बात करेंगे पी था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये यूनिवर्सल था यानी कि जो भी लोग वहाँ पे जाते थे चाहे गरीब था अमीर था ठीक है या मिडिल क्लास फैमिली से था मिडिल क्लास फैमिली से था उनको क्या किया जाता था वीट दिया जाता है टू रुपीज़ पर के जी टू पॉइंट थ्री फोर के जी या राइस टू पॉइंट एट नाइन पर के जी ये था पहले अप टू नाइनटीन नाइनटीन टू